ये कोरियंस जो चैनल में अपने ये सब कुछ खाते रहते हैं ना, और ये खा के बड़े खुश होते रहते हैं। अगर मकबैंग की बात करूँ तो मेरे फेवरेट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लो मेरी, मेरे नेक्स्ट वीडियो से जो भी कमेंट सेक्शन में स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करूँगा या आंसर करूँगा आप लोगों के नाम के साथ, और ये रीति रिवाज हमारा स्टार्ट हो जाएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो से आगे के वीडियोज़ के लिए भी, ताकि आपके और मेरे बीच में एक कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता रहे, बिकॉज दैट्स व्हाट मकबैंग इज ऑल अबाउट। आपके और मेरे बीच में एक इंटरेक्शन होते रहना चाहिए हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा। सो ये चीज़ हम अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे एंड लेट्स जस्ट सी हाउ इट गोज। एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जोमैटो से मैंने ऑर्डर किया है और जोमैटो से ये एज इट इज़ आया है मेरे पास। थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग फ्रॉम मामा, वी होप यू एंजॉयड योर मील एज मच एज वी लव्ड प्रिपेयरिंग इट फॉर यू। और मैंने इन्हें कॉल तक नहीं किया था, मतलब इनको पता भी नहीं होगा ये ऑर्डर किसके लिए गया है, अदरवाइज दे वुड हैव रिटन माय नेम समवेयर देयर, बट शायद ये सबको ऐसे ही ग्रीट करते हैं। नाइस जेस्चर। चॉपस्टिक्स, दिस इज द बिल, जस्ट टू लेट यू नो कि मैंने इसका पे करा है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मोर ओवर एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिखी, इनका पूरे स्टाफ का इसमें बॉडी टेम्परेचर लिखा है पूरे स्टाफ का, और ये बिल में अटैच्ड आया था। पैसा दे रहे हो तो सर्विस भी उसी हिसाब से मिलेगी आपको। ये है नूडल्स, फ्लैट नूडल्स, जापानीज नूडल्स, स्लाइस चिकन विद होजिंग चिली होजिंग सॉस, और ये जापानीज नूडल। तो पैकिंग कुछ इस तरह से होके आई हैंगी। ये जितने भी आप ऊपर मोमो देख रहे हो ये मैंने अलग रेस्टोरेंट से मंगाए हैं जिसका नाम है साडा अड्डा, और ये उनका एक आटा मोमो प्लेटर था जिसमें ये हरा भरा मोमोज हैं और ये दो और अलग अलग तरह के मोमो थे, मेरे को इतना ढंग से याद नहीं है। बाकी मामा गोटो से मैंने मंगा रखा है स्टर फ्राइड उडॉन नूडल चिकन, वॉक टॉस थिक जापानीज नूडल एंड मिक्स स्लाइस चिकन फ्लेवर्ड विद चिली होजिन सॉस। मैंने कभी भी पहले फ्लैट नूडल्स या जापानीज नूडल नहीं टेस्ट किए, सो या लेट्स सी हाउ इट इज। और इस साइड है मेरे पास ब्लैक बीन सॉस चिकन टॉस्ड इन ब्लैक बीन सॉस, और इस साइड है मैंने थोड़ा सा राइस रखा हुआ। मामा गोटो चॉपस्टिक्स, पीछे इंस्ट्रक्शन भी लिखे हैं इसमें कैसे यूज करना है, लेट्स फाइंड आउट। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट क्विकली डाइव इनटू दिस। शीजा गाजा एंड हमके मच्चा, आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया। एनीवे परंपरा के साथ थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स, लेट्स डाइव इन। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। देखो आज मैं चॉपस्टिक पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, ये आटा मोमोज काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब मुझे ऐसा था कि थोड़े से बेस है या बैटर है वो थिक होगा, हरे भरे मोमो आटा वाले। ये बेस्ट हुए, एक चिकन का पीस लेते हैं। चॉपस्टिक का ये फायदा है, इसको यहाँ रखते हैं। जापानीज नूडल्स Mm.
थोड़े से स्वीट हैं बट काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। ब्लैक बीन सॉस में डुबा के देखते हैं, गिरना मत भाई। ये ब्लैक बीन सॉस के साथ ना बहुत ही गजब लग रही है। हरा भरा मोमो विद चट लाल चटनी। बहुत ही गजब, बट इसके साथ भी बढ़िया लगा ब्लैक बीन सॉस। एक चिकन का पीस और हरा भरा मोमो। और ये चॉपस्टिक यूज़ करना बहुत ईजी है, पिज्जे से पहले चिपका रखे हैं इन्होंने। आप सोच रहे होंगे राइस क्यों रखा है। राइस एक्चुअली इसलिए रखा है क्योंकि ये जो इनका डिश है ये मेन कोर्स में आता है, और जब मैं इसको ले रहा था तो कस्टमाइजेशन में ऑलरेडी अपने आप आ रहा था स्टीम राइस का ऑप्शन, तो इसे स्टीम राइस के साथ भी खाते होंगे, तो स्टीम राइस मैंने घर में ही बनवा दिया था। और अभी अभी ये भाभी ने कड़ी बनाई है और भाई ऊपर आके बोला कि भाई बहुत ही ज़्यादा गजब की बनी है, ट्राई ज़रूर करना, तो इसे भी ट्राई कर लेंगे। बेस्ट ये रेड वाले थे, मंगाने होंगे तो 8:30 का मेन्यू खोलना, और ये जो रेड वाले दिखेंगे आटा में यही मंगवाना, रेड सॉस के साथ। अब आ रहा है चॉपस्टिक से खाने में मज़ा। इनका ये रेड सॉस बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है, यू नो अच्छा वाला स्पाइसी। ऐसा होता है कि खाते रहो ऑल दो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है। इसे 3 जने इजीली खा सकते हैं एक अच्छी क्वांटिटी में। अभी बारी ट्राई करते हैं अपने फोक से खाने का। नूडल्स और मोमो की अब लाल चटनी भी। चॉपस्टिक से खाने का मज़ा आ रहा है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। मैं चॉपस्टिक से बिल्कुल नहीं खा पा रहा हूँ, मैं पता नहीं मज़ा आ रहा है चॉपस्टिक से खाने में। Thank you.
मुझे लगा कि नूडल्स ड्राई आएंगे, इसलिए मैंने ये मंगाया था कि नूडल्स के साथ ब्लैक बीन सॉस आएंगे। मुझे क्या पता था इसके साथ भी आएगा। अभी तक कितने तहजीब से एकदम चॉपस्टिक से खा रहा था मैं, और वो चावल किसी भी चीज़ के साथ हो मज़ा। हाथ से ही आता है खाने में। बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे ब्लैक बीन सॉस का कोई कॉम्बिनेशन नहीं जाता है राइस के साथ, बट इसी के कस्टमाइजेशन में स्टीम राइस था तो राइस इसके साथ जाता तो है। ये कोरियंस जो चैनल में अपने ये सब कुछ खाते रहते हैं ना, नूडल्स और ये ब्लैक बीन वगैरह, और ये खा के बड़े खुश होते रहते हैं भाई साहब, इन्हें इंडियन खाना खिलाना पड़ेगा किसी दिन। इन्हें आइडिया नहीं है, कि ये लोग क्या मिस कर रहे हैं। इसमें भी वेजीज जितने भी सब रॉ है, रॉ है या थोड़ी सी सॉटे करके डाल रखे, बट ज़्यादा कुक नहीं है वेजीज, जो कि अच्छी बात है। रॉ वेजिटेबल्स खाना बहुत अच्छा होता है। कुछ जैसे तैसे मैंने ये खा लिया है, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये पसंद उसी को आएगा जिसने ये चीज़ें पहले खा रखी हैं कभी, और उनको इसका डिश बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे लिए ये ओके ही है, नॉट टू गुड नॉट टू बैड, ओके। पहले हम नूडल्स फिनिश करते हैं। गजब हो रही है। कढ़ी चावल, राजमा चावल, ऐसी चीज़ें जो इमोशन की तरह है इंडियंस के लिए। आज की मील की बात करूँ, बेहतरीन हुई, हर एक आइटम काफ़ी अच्छी तरह से पैक्ड था, उन्होंने दिल से बनाई है और दिल से बना के उन्होंने आप तक भेजी है। बहुत लोग मुझसे ये पूछते थे कि मेरे फेवरेट क्रिएटर कौन है इस फील्ड में। अगर मकबैंग की बात करूँ तो मेरे फेवरेट हैं बेन डीन। अगर आप लोगों ने बेन डीन को देखा है और आप लोग मेरे भी वीडियोज़ देखते हो तो आपको पता होगा कि मुझे उनका काम कितना ज़्यादा पसंद है। बेन डीन, वतन फ्रेश, जो मेरे फेवरेट है जैक कोई, ASMR वर्ल्ड में उनका एक अलग ही बेंचमार्क क्रिएट कर रखा है उन्होंने। जैक कोई जिनको मैं पर्सनली देखता हूँ, बाकी ईट विद बोकी भी है जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है, लाइटिंग से लेकर उनका साउंड क्वालिटी इज़ टॉप नॉच। और बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं अपने आप को कैसे मेंटेन रखता हूँ इतना हैवी मील्स खाने के बाद भी, तो प्लीज़ एक बार एरिक द इलेक्ट्रिक, मैट स्टोनी या फिर बियर्ड मीट्स फूड को ज़रूर देखना, वो लोग अलग लेवल पे हैं। ऐसे लोगों को देखना चाहते हो जो बहुत ज़्यादा खाने के बाद भी खुद को मेंटेन रखते हैं, तो बियर्ड मीट्स फूड, मैट स्टोनी लेजेंड और एरिक द इलेक्ट्रिक।
ये कुछ नाम है जिनको मैं रेगुलरली देखता हूँ. तो या दिस इज इट. आई होप यू गाइस एंजॉय टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन.